एक अच्छा होम अप्लायंस खरीद के अपनी वाइफ को खुश कर पाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है और यह और भी डिफिकल्ट हो जाता है अगर आप एक रिव्यूअर हैं कुछ ऐसा ही चैलेंज मैंने भी फेस किया जब मेरी वाइफ ने एक फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन की डिमांड की ऑब्वियसली आई हैड टू बाय हर द बेस्ट और वही मैंने किया हेलो दोस्तों वेलकम टू माई चैनल वी मेरा नाम है विनीत और आज मैं आपको दिखाने वाला हूं जानते हैं मैंने कौन सी वॉशिंग मशीन ली उसी का रिव्यू दोस्तों मैंने अपने घर के लिए बॉश की 8 के जी फाइव स्टार फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन खरीदी है लेकिन आपके लिए एक बात जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि बॉश ने इस वीडियो को स्पॉन्सर नहीं किया है और ना ही बॉश ने मुझे कोई रिव्यू यूनिट दिया है जिसे मैं आपको दिखा रहा हूं इस वॉशिंग मशीन को मैंने खुद खरीदा है और मैं मतलब मेरी वाइफ इसे पिछले तीन महीने से बहुत खुशी खुशी यूज कर रही है अब आपको आगे दिखाता हूं इस वॉशिंग मशीन का डिटेल्ड रिव्यू जो कि तीन महीने यूज करने के बाद मैं आपको दिखा रहा हूं क्योंकि इस वॉशिंग मशीन को मैंने खुद खरीदा था तो इसलिए बॉश की तरफ से इंस्टॉलेशन टीम भी आई जिनसे मैंने प्रॉपर इंस्टॉलेशन इस वॉशिंग मशीन की करवाई टीम एफिशिएंट थी और केपेबल थी और उनकी तरफ से मुझे किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई लेकिन वो टीम जो मुझे एक्सेसरीज बेचना चाह रही थी वो मैंने खुद ही खरीद रखी थी और मैं आपको भी यही रेकमेंड करूंगा कि अगर आप एक मशीन खरीद रहे हैं चाहे ये चाहे कोई भी और एक्सेसरीज खुद खरीद के रखें क्योंकि आपको सही प्राइस खुद खरीदने पे मिलेगा किसी इंस्टॉलेशन टीम से खरीदने पे नहीं जैसे ही आप इस वॉशिंग मशीन को पहली बार देखेंगे यू विल रियलाइज कि ये बहुत ज्यादा स्टर्डी है और जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा हैवी भी है फर्स्ट लुक के अंदर ही आपको यह बहुत ज्यादा अपील करेगी और इसका जो मेटल है वह बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और स्टर्डी आपको दिखने में लगेगा इसका फ्रंट किसी भी और फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन की तरह है और इसके साइड्स पे जो आपको डिजाइन देखने को मिलेगा वो एंटी वाइब्रेशन पैनल है इसके फ्रंट पे आपको टच कंट्रोल पैनल मिलता है और इस मशीन में आपको 15 वॉश प्रोग्राम्स देखने को मिलेंगे जो आपको इस फ्रंट पैनल पे देखने को मिलेंगे जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा आगे बताऊंगा और मैं हंड्रेड परसेंट अग्री करूंगा एंटी वाइब्रेशन पैनल से क्योंकि ये मशीन स्पिनिंग के टाइम बिल्कुल भी वाइब्रेट नहीं करती एंड आई एम मतलब मेरी वाइफ बहुत ज्यादा खुश है इस पर्टिकुलर फीचर से इसके फ्रंट डोर को खोलने पे आपको स्टेनलेस स्टील ड्रम देखने को मिलता है जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी का बना है और ये बात आपको उसको देखते ही पता चलेगी जैसे ही आप ड्रम को टच करेंगे आपको रियलाइज होगा कि एक बहुत ही स्टडी और सॉलिड वॉशिंग मशीन है जिसके अंदर ड्रम भी बहुत स्टडी दिया गया है मैंने पर्टिकुलरली ये वाला मॉडल इसलिए लिया क्योंकि इसके अंदर 1400 आरपीएम की मोटर लगी है जबकि बॉश के अंदर ट्वेल्व आरपीएम की मोटर वाले भी मॉडल्स हैं बट आई चूज दिस वन बिकॉज दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मॉडल्स दैट आई कुय और ये मोटर इको साइलेंस ड्राइव मोटर है जिसके अंदर आपको बिल्कुल भी आवाज सुनने को नहीं मिलेगी जब ये मशीन चल रही होगी थोड़ी बहुत आवाज होना बहुत नॉर्मल है लेकिन इन कंपैरिजन विद अदर मशीन दैट आई हैड प्रीवियसली इसकी आवाज बहुत ज्यादा कम है एक और फीचर जो हमें कपड़े धोते हुए चाहिए होता है वो है बिल्ट इन हीटर और ये इस मशीन में अवेलेबल है अगर आपके कपड़े कुछ ज्यादा गंदे हैं और अगर आपको उसी के कस्टमाइज्ड वॉश प्रोग्राम्स चाहिए देन यू डोंट नीड टू वरी बिकॉज़ दिस मशीन हैज इट एक बात जो मैंने मशीन यूज करने के बाद रियलाइज करी वो ये है कि आपको बहुत ज्यादा वॉश प्रोग्राम्स की जरूरत नहीं है आपके पास इस मशीन में 15 वॉश प्रोग्राम्स हैं एंड लेट मी टेल यू इन 3 महीनों में मैंने शायद 5 को भी पूरी तरह से यूज नहीं किया होगा और उसका रीजन ये है कि हम डेली लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन में बिलीव नहीं करते हैं हमारे कपड़े तीन या चार अलग अलग तरीके के होते हैं और वही टाइप के वॉश प्रोग्राम हम जनरली यूज करते हैं बट नीडलेस टू से आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं और उसे आप इस वॉशिंग मशीन में चेक कर सकते हैं और अगर वॉशिंग प्रोग्राम की बात करी ही है तो टच पैनल की भी बात होनी ही चाहिए और इस टच पैनल को ऑपरेट करना इज अ चाइल्ड्स प्ले एंड आई मीन लिटरली आपको सिर्फ नॉब को घुमा के अपने सेट वॉश प्रोग्राम पे लेके आना है एंड यू हैव टू क्लिक वन बटन ऑफ स्टार्ट एंड दैट्स अबाउट इट आपको और कुछ करना ही नहीं है वॉशिंग मशीन खुद अपने आप सब चीजें करेगी एक और फीचर जो मुझे बहुत अच्छा लगा इस वॉशिंग मशीन में वो है पॉज एंड रीलोड फंक्शन अक्सर कई बार ऐसा होता है कि हम कपड़े डाल देते हैं वॉशिंग प्रोग्राम ऑन कर देते हैं और मशीन को स्टार्ट भी कर देते हैं लेकिन उसके बाद याद आता है कि दो कपड़े रह गए उस केस में इस वॉशिंग मशीन में आपको पॉज एंड रीलोड फंक्शन मिलता है थोड़ा सा पानी भर देने के बाद भी आप इस मशीन को पॉज कर सकते हैं और उसके बाद कुछ बचे हुए कपड़े रीलोड करके दोबारा से उसी प्रोग्राम को वहीं से ऑन कर सकते हैं एंड दैट इज वन कन्वीनियंट फीचर वॉश खत्म होने के बाद आपके दिमाग में यह सवाल जरूर आया होगा कि इस वॉशिंग मशीन की वॉटर कंजम्पन क्या है तो मैं आपको यह बता दूं कि यह सबसे ज्यादा वाटर एफिशिएंट वॉशिंग मशीन है इस मशीन में 45 लीटर वाटर यूज होता है एंड दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस वॉशिंग मशीन कम पानी कम आवाज नो वाइब्रेशंस एंड व्हाट हेल्प डू यू नीड इससे पहले मेरे घर में टॉप लोड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन थी लेकिन आज मैं फ्रंट लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन यूज कर रहा हूं तो मैं आपको बताता हूं कि इन दोनों में अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो उसके अंदर बेसिक डिफरेंसेस हैं क्या एंड आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट मेजर बेसिक डिफरेंसेस सबसे पहला डिफरेंस कि वाटर कंजम्शन फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन की बहुत ज्यादा कम होती है टॉप लोड वॉशिंग मशीन के मुकाबले फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन बहुत कम वाइब्रेशन और बहुत कम आवाज करती है टॉप लोड वॉशिंग मशीन के मुकाबले और वॉश क्वालिटी फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन की बहुत ज्यादा सुप्रीम है टॉपलोड वॉशिंग मशीन के मुकाबले लेकिन एक बहुत बड़ा और फर्क है और वो है प्राइस का फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है टॉप लोड मशीन के मुकाबले लेकिन अगर आप प्रोज को कंपेयर करें तो ये डिफरेंस बहुत ज्यादा नॉमिनल है और आप इस पर अगर खर्च करेंगे तो आप अच्छी वॉश क्वालिटी कम आवाज और कम पानी यूज करने वाली एक अच्छी मशीन लेंगे जो आपका सालों तक साथ देगी यानी आपकी वाइफ का सालों तक साथ देगी एंड दैट इज वॉट आई रेकमेंड प्रोज एंड कॉन्स मैं हर वीडियो में बताता हूं और इस वीडियो में भी बताऊंगा बिकॉज नो प्रोडक्ट इज परफेक्ट तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कौन से इस वॉशिंग मशीन के इस वॉशिंग मशीन के अंदर इनलेट पाइप जो है यानी पानी का जो इनलेट पाइप होता है और जो पावर कॉर्ड है वो थोड़ी सी छोटी दी गई है जिस वॉशरूम में मैंने इस मशीन को इंस्टॉल किया है वहां पे इनलेट पाइप और पावर कॉर्ड के लिए बिल्कुल उतनी ही जगह थी इसलिए मुझे इसे चेंज नहीं कराना पड़ा लेकिन अगर आपको थोड़ी सी छोटी पावर कॉर्ड ये पड़ी तो आपको उसे कटवा के जुड़वाना पड़ेगा और एक्सटेंड करना पड़ेगा एंड सेम गोज फॉर द इनलेट पाइप ये है इसका कॉन लेकिन अब हम बात करते हैं इस वॉशिंग मशीन के प्रोज के बारे में जो डोमिनेट करते हैं इसके कॉन्स को और वो है फैंटास्टिक बिल्ड क्वालिटी मैंने अपने दोनों वीडियोस में वॉशिंग मशीन के ये बात बताई है कि वॉश मशीन इज बिल्ट लाइक अ टैंक एंड इट रियली इज इसकी जो वॉश क्वालिटी है वो भी बहुत शानदार है इसकी स्पिनिंग के टाइम पे आवाज ऑलमोस्ट ना के बराबर है और वाटर कंजम्पशन इज टू लो एंड प्रोज आर फैंटेस्टिक मेरे हिसाब से कोई भी और फ्रंट लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन इतनी कैपेबल और इतनी शानदार नहीं है इस वॉशिंग मशीन पे आपको टू और टेन इयर्स की वारंटी मिलती है ऑन मोटर मैंने इसे रुपीस का खरीदा था लेकिन आज की डेट में ये 37, रुपीस के आसपास मिल रही है और इसके लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं मैंने एट के साइज इसलिए लिया क्योंकि मेरे घर में फाइव से ज्यादा मेंबर्स हैं उन मेंबर्स के लिए ये बिल्कुल सूटेबल है लेकिन अगर आपके घर में थोड़े कम मेंबर्स हैं तो आपको सेवन के जी सेवन पॉइंट फाइव के जी या सिक्स के जी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो सूटेबल होगी मैं इस मशीन के इसी मॉडल के छोटे साइजेस के वर्जन भी और उनके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं जो आपके घर के हिसाब से सूटेबल हो उसे जरूर चेक करिएगा और साथ में आपको वॉशिंग मशीन की लिस्ट भी दे रहा हूं उसमें मेरी रेकमेंडेड वो सारी वॉशिंग मशीन हैं जिन्हें मैंने खुद चेक किया है और उसके बाद उस लिस्ट में डाला है और उसमें एक भी वो वॉशिंग मशीन नहीं है जिसे मैं रेकमेंड नहीं करता उसे भी जरूर चेक करिएगा ही, ही खरीद ली थी वो मैं आपको दिखाता हूं मैंने इस वॉशिंग मशीन के साथ बॉश का ओरिजिनल स्टैंड भी लिया था एंड लेट मी टेल यू कि जितने भी लोकल स्टैंड्स मैंने देखे हैं इससे पहले या इसके बाद भी वो सब बिल्कुल बेकार हैं इस स्टैंड के आगे एंड आई एम अगेन टेलिंग यू वो सारे स्टैंड बिल्कुल बेकार हैं बिकॉज दिस स्टैंड इज जस्ट लाइक मशीन बहुत अमेजिंग क्वालिटी का और मैं ये पूरी तरह से रिकमेंड करता हूं अगर आप ये वॉशिंग मशीन ले रहे हैं दिस इज कंप्लीटली एडजस्टेबल आप कोई भी साइज की वॉशिंग मशीन लेंगे बॉश की या सीमेंस की तो आपको यही स्टैंड यूज में आएगा उसका लिंक दे रहा हूं आपको आप उसे जरूर चेक करिएगा और उसके साथ मैंने बॉश का कवर लिया था दैट कॉस्टेड अबाउट एट हंड्रेड रुपीज शायद आज भी उसका वही प्राइस है लेकिन ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है लेट्स ए अबाउट टू हंड्रेड रुपीज लेकिन इसकी जो क्वालिटी है वो क्वालिटी लोकल कवर से बहुत ज़्यादा अच्छी है चॉइस आपकी है अगर आपको ये कवर थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगता है और अगर आप उस एक्सपेंसिव कवर को क्वालिटी की वजह से खरीदना चाहते हैं देन इट इज कंप्लीटली वर्थ इट अकॉर्डिंग टू मी इट इज You choose. पिछले दो सालों के बेस्ट वॉशिंग मशीन के मेरे ही वीडियोस में इस वॉशिंग मशीन को मैंने नंबर वन पे रखा है और मैं इस वॉशिंग मशीन से बहुत ज्यादा खुश हूं राधर uh, मेरी वाइफ बहुत ज्यादा खुश है एंड दैट इज वाई आई एम ऑल्सो वेरी वेरी हैप्पी आपको कैसी ये लगी ये वॉशिंग मशीन ये जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में और अगर आपका कोई सवाल है जो आप डायरेक्टली मुझसे पूछना चाहते हैं वॉशिंग मशीन के बारे में या किसी और चीज के बारे में तो लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में या फिर आ जाइए मेरे सोशल मीडिया पे और डीएम करिए मुझे आपको 48 एट आवर्स के अंदर गारंटीड रिप्लाई जरूर मिलेगा और मैं आपको मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही ज्यादा जल्दी थैंक यू वेरी मच